सम्मानित मीडिया बंधुओं, पूरे देश में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जनता में एक रोष सब समाज में, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, सब समाज के लोग हो, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो 4 साल से चल रही है, इसकी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में एक जबरदस्त रोष उत्पन्न हुआ है। किसी का यकीन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं पर नहीं रहा है, और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से आप लोगों के बीच में इस बात को कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी, और उसने अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक SC ST एक्ट को निष्प्रभावी बनाने का एक षड्यंत्र हुआ है, उसमें पूरे देश में पहले से ही दलित समाज के लोगों पर जबरदस्त अत्याचार होते चले आ रहे थे, और इस एक्ट को अब कमजोर कर दिए जाने की वजह से वो अत्याचारों की सीमाएं और बढ़ जाएंगी, जिसमें सभी दलित भाईचारा के जो समितियां थी, कमेटी, सामाजिक संगठन थे, उन लोगों ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरे देश में SC ST एक्ट के को पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें केंद्र सरकार को यह कहने के लिए मजबूर किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई हुई है, अभी उन्होंने अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया, जो पहले से उनका डिसीजन आया था उसको एज इट इज रखा। और ऐसे ही इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। सभी स्टेट में दूसरी पार्टियों को छोड़कर के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, उन पार्टियों को छोड़कर बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत मजबूत साथी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके माध्यम से एक दलित समाज का एक बहुत मजबूत चेहरा फिरोजपुर से लाल सिंह सुल्हानी साहब, जो है अपने पूरे दलित क्रांति दल पंजाब को का विलय उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में कर दिया है। और आज की कड़ी में भी सरदार मोहन लाल जी, XML दो बार के जिम्मेदार साथी हमारे बीच में बैठे हैं, जो बहुत मजबूत MLA, ये राजनीतिक परिवार है, और ये बंगा से दो बार के MLA रहे हैं, अपने ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबरों के साथ में आज जो मैं आपसे कह रहा था कि BJP से लोगों का मोह किस तरह से भंग हुआ है, आज BJP को छोड़ करके सरदार मोहन लाल जी XML आज बिना शर्त के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परामादनीय, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, और जिन्होंने दलितों के सम्मान में सहारनपुर के शब्बीरपुर कांड को लेकर जो अपने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देकर उन लोगों के लड़ाई लड़ने का काम किया, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के सरदार मोहन लाल जी अपने तमाम साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में विधिवत शामिल हो रहे हैं। हम उनका बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और हमारे बीच में हमारे सम्मानित जो है हमारे स्टेट पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री ML तोमर साहब, हमारे स्टेट के प्रधान श्री रसपाल सिंह राजू जी, और हमारे स्टेट के प्रभारी राजेंद्र रिहेल जी, ये तमाम मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में आज हमारे सम्मानित सरदार मोहनलाल जी, XML जी को, विधायक जी को, जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी का पटका पहना करके उनका वेलकम करके उनको विधिवत बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने जिंदाबाद।
लीजिए साहब, बहुत बहुत वेलकम आपका, बहुत ही कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है राम जी की और पदम सिंह गमान जी सरपंच साहब जी, इनको जो है हमारे प्रधान जी इनको सरोपा भेंट करेंगे। प्रत्येक चिन्ह सुरेंद्र पाल जी विधायक जी को और उनके साथियों को जो आज बीजेपी को छोड़कर एक किराए के घर को छोड़कर अपने निजी घर में वापस आए हैं, उनमें अपने घर में जो है इनके शामिल होने पर इनके साथियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि इनके मान सम्मान को चार जो है चौगुना तरक्की होगी, इनका पूरा सम्मान किया जाएगा और मिलजुल करके यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो? मायावती जैसी। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो? मायावती जैसी। पंजाब स्टेट में बहुजन समाज पार्टी का बहुत खुशी का दिन है कि आज भाजपा से और अकाली दल से पूर्व के दो दो बार के एमएलए रहे सरदार मोहनलाल जी अपने तमाम साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी आज उनका उनके साथियों का बहुत वेलकम करती है। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में पंजाब स्टेट में बहुत मजबूत होगी और हमें सरदार मोहनलाल जी के आने से बहुजन समाज पार्टी को बहुत जो है सहयोग मिलेगा और सरदार मोहन सिंह जी मोहनलाल जी उनके साथियों को हम पूरा भरोसा ये भी दिलवाते हैं कि उनके साथियों का बहुत सम्मान किया जाएगा और हम मिलजुल करके पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करने का काम करेंगे। निश्चित तौर से सब समाज के लोगों को साथ चल करके बहुत सारे दूसरे समाज के लोग भी आज बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए तैयार हैं और उनकी भी घोषणा बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। सर एसटी एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से ये दलित समाज के लोगों की रक्षा करने वाला एक एक्ट था जिसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको निष्प्रभावी बनाने का काम किया था और उसमें दलित समाज के लोगों ने पूरे देश में अपना रोष व्यक्त किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दलितों की राखी करने में फेल हुई है, दलित विरोधी ये फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र सरकार जो है फिर से मूल रूप में ला सकती है। उसको भारतीय जनता पार्टी छड़ के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होया, मैं धन्यवाद करता भैन मायावती जी का राष्ट्रीय प्रधान बहुजन समाज पार्टी और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जी और श्री एम एल तोमर जी का और नाल ही साढ़े रिशपाल राजू जी प्रधान पंजाब बहुजन समाज पार्टी जी का समुची लीडरशिप का। मैं भारतीय जनता पार्टी जी है ये गरीब विरोधी है और घट गिणतियाँ विरोधी है, इस करके इसमें छड़िया जो पिछले दिन जो गरीब समाज के लोगों की हकों के हितों की राखी वास्ते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अत्याचार रोकू एक्ट बनाया सी उसनों कमजोर करने की कोशिश की है और भारत का संविधान बदल दी कोशिशें की जा रही हैं और गरीब समाज के लोगों पर जिस देश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं तो और घट गिणतियों के धक्का किया जा रहा है तो इस सारे भारत भर में लोगों दोष पाया जा रहा है। तो मैं समझदा कि भारत में जो तरक्की के खुशहाली के रस्ते पर लैके जाना तो सबनों नाल लैके चलना पड़ेगा जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है भैन मायावती जी की और बाबू कंशी राम जी ने बहुत वधिया सानू ये प्लेटफॉर्म दिता बहुजन समाज पार्टी बना के पंजाब के भी इस गल का भी सानू माण है और उन्होंने गरीब समाज के लोगों को इकट्ठे करके बहुजन समाज पार्टी बनाई और भैन मायावती साढ़े लिए एक अनमोल रतन हैं और आवाज़ की आवाजे कौम हैं जी अज गरीब लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं। जिथे भी कोई साढ़े गरीब लोगों का धक्का होंगे उत्थे भैन मायावती और बहुजन समाज पार्टी खड़ती है, कोई होर नहीं खड़ता। इसलिए आओ सारे गरीब समाज के लोग भैणा प्रास और शड्यूल ट्राइब के लोग ओ बी सी के लोग और घट गिणतियाँ जी सिख हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं सारे ही इकट्ठे होकर भैन मायावती अपना लीडर मन के प्रधानमंत्री बनाइए और इस मिशन को कामयाब करने सारे संघर्ष करिए एकजुट हो के देश का जोड़ा वो भला हो सके और भैन मायावती ने पंजाब चार बारी यूपी की मुख्यमंत्री बन के जो सफल मुख्यमंत्री
का अपना जोड़ा प्रदर्शन किया और बड़े तजर्बेकार राज्यसभा भी रहे और लोग सभा भी रहे हैं तो इसलिए उन्होंने देश जो चला आ वो देश वधिया ढंग चला सकते और देश में तरक्की बुलंदियों ले जा सकते हैं। 2019 जो भैन मायावती प्रधानमंत्री बना के ही जो सारा समाज वो दम लाएगा। हम सारे बेनती है कि इकट्ठे हो जाओ, जुड़ो पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, जो बाबा साहब ने सानू संदेश दिता और सारे मिल के उस जो संदेश से अमल करिए और आप अपना राज लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।